दिल्ली प्रीमियर लीग में बीते दिन साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे, लेकिन इस मैच में एक नए युवा सितारे ने कमाल ही कर दिया। नाम है प्रियांश आर्य, जिनकी उम्र मात्र 23 साल ही है। ये नाम याद रखिए, क्योंकि IPL मेगा ऑक्शन में इस खिलाड़ी पर बड़ी बोली लग सकती है। इस खिलाड़ी ने सबसे पहले एक ओवर में 6 छक्के जड़े, इसके बाद तूफानी शतक भी ठोका। इस खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो इन्होंने SDS के लिए मात्र 50 गेंदों पर 120 रन ठोक डाले। इसके बल पर SDS टीम ने 308 रन 5 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर लगा दिए और इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया। लेकिन इस मैच में उनके द्वारा करा गया सबसे बड़ा कारनामा यही था कि उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के जड़े। इसके साथ ही युवराज सिंह समेत उन नामों की भी बराबरी कर ली है जिन्होंने ये कारनामा किया था। 23 साल के ही हैं अभी मात्र, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और खासकर दिल्ली प्रीमियर लीग में जिस तरीके का अंदाज वो दिखा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि IPL में भी वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत ही इसलिए की गई थी कि जो नए युवा सितारे हैं उनको एक बार फिर मौका मिले और दिल्ली प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन अगर करते हैं तो वहाँ से उनके IPL में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। और इन्होंने भी वही काम किया है मात्र 23 साल की उम्र में। इस साल का जो दिल्ली प्रीमियर लीग का सीज़न है उसमें कमाल का आतंक मचाया है बल्ले से। सबसे पहले उनकी अगर बल्ले से बात की जाए तो उन्होंने 2 शतकीय पारियां इस दौरान खेली हैं, जिसमें उन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में लगातार अच्छी पारियां खेली है। 107 रन और 120 रन ये उनकी शतकीय पारी हैं। इसके अलावा अगर अर्धशतकों की बात की जाए तो उन्होंने 4 अर्धशतक जड़ दिए हैं, जिसमें 57, 82, 53 और 88 रनों की पारी भी शामिल है। अगर देखा जाए तो इन्होंने अभी तक 8 पारियों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 अर्धशतक और 2 शतक जड़े हैं। और 120 रनों की इस पारी से अभी तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने कई मुकाबले खेले हैं, जिसमें 120 रन की उनकी सबसे बेस्ट पारी है। और हो भी क्यों ना, उस पारी में उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम को पूरी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना लिया है और जिस तरीके से उन्होंने इस पारी में खेला है, ज़रूर IPL टीमों पर उनकी नज़रें होंगी और देखना होगा कि IPL ऑक्शंस में वो किस तरीके का उनका नाम आता है और किस तरीके से ऑक्शन में उन पर बोली लगती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।